Dear students and viewers, assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. I am Sheikh Zaur Islam, teacher of high school Sharma. Today we are going to discuss about the next topic, that is functions of brain. In yesterday's lecture, we came across the central nervous system. और उस central nervous system में हमने एक आम हिस्से के बारे में जिक्र किया. उस हिस्से का नाम brain है. तो आज हम यही पढ़ेंगे जो brain है, इसकी functions क्या है. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो brain है, जैसा कि मैंने आपको कल भी कहा था कि जो ब्रेन है एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है कहाँ से, सेंस ऑर्गन से. तो जब ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से, तो ये रिसीव कैसे करता है, इट रिसीव्स द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स. और इसके बाद क्या होता है, जो ये इम्पल्स होता है इन इम्पल्स की तरह ब्रेन में रिस्पॉन्स दिया जाता है. या हम ये कहेंगे जो ब्रेन है इट रिसीव्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स या फ्रॉम ऑल सेंस ऑर्गन्स. वो तमाम सेंस ऑर्गन्स से बेसिकली इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है. कौन ब्रेन की सबसे पहली और अहम फंक्शन है इसकी. तो इसके बाद जो इसकी दूसरी फंक्शन है, द ब्रेन इट रिस्पॉन्ड्स टू द इम्पल्सिस विच आर ब्रॉट इन बाय सेंस ऑर्गन्स. कैसे ये इनको रिस्पॉन्स दे दिया, कैसे इनको रिस्पॉन्ड कर दिया, बाय सेंडिंग इट्स ओन इंस्ट्रक्शंस थ्रू मोटर नर्व्स टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स कॉजिंग देम टू फंक्शन अकॉर्डिंगली. तो जो ब्रेन है इट गिव्स रिस्पॉन्स टू इंपल्सेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स बाय गिविंग आउट इंस्ट्रक्शंस थ्रू मोटर नर्व्स. तो कहां पर ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, मसल्स या ये ग्लैंड्स तक पहुंचती, जिनको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, जो कि हमारी बॉडी में है. तो इसके बाद क्या है, तो ब्रेन में वो फंक्शन करते हैं, वो अकॉर्डिंगली इसी जो ये स्टिमुलस होते हैं, इसी स्टिमुलस के अकॉर्डिंग ब्रेन में वो क्या करते हैं, वो फंक्शन करते हैं. तो ये दूसरा इसमें है, दो फंक्शन हमने अभी तक इसकी पढ़ी. जो तीसरा है, द ब्रेन इट गिव्स रेस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुले. और वी कैन स्टेट दैट the brain correlates the various stimuli from different sense organs and produces the most appropriate and intelligent response. It correlates or it combines with different stimuli and gives them an appropriate and intelligent response. इसके बाद ये appropriate and intelligent response किसकी तरफ देते हैं, इन stimuli की तरफ देता है. तो इसके बाद जो है चौथा इसमें ये है कि the brain है it coordinates the various body activities so that mechanisms and chemical reactions of the body work together efficiently. So actually jo brain hai ye bahut zyada bahut sare body activities ko kya karta hai, coordinate karta hai ya associate karta hai, taki jo ye mechanisms hai ya jo ye different chemical reactions hamari body mein hoti hai, ये किस तरीके से, ये एफिशिएंट तरीके से या ये बिल्कुल मुनज़म तरीके से फंक्शन कर सके. तो जो फंक्शन होनी चाहिए वो पूरी तरीके से होनी चाहिए, वो आदि नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हम कभी मतलब कुछ याद करते हैं, तो एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है कि जो इम्पल्सिस है ये कहां तक पहुंचती है, ब्रेन तक पहुंचती है. ब्रेन में यही इन्फॉर्मेशन जो है ये फिर से इंटरप्रेट होती है, और यही इन्फॉर्मेशन ब्रेन में क्या होती है, ये हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेट होती है, और हम इसी के हिसाब से इस इन्फॉर्मेशन से काम लेते हैं, इसकी तरफ कुछ काम करते हैं. तो इस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है ये काम करता है कहां पे, इस ब्रेन में. तो इसके अलावा जो इसका फंक्शन जो है, the brain or it stores information so their behavior can be modified according to the past experience. इसका मतलब क्या है कि ये अपने अंदर इंफॉर्मेशन को समेटता है, ताकि इस इंफॉर्मेशन से हम किसी भी बिहेवियर की तरफ, किसी भी बर्ताव की तरफ, किसी भी आने वाले समय की तरफ हम रेस्पॉन्स देंगे अपने पास्ट एक्सपीरियंस से. अगर हमें कभी कभार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है, किसी भी इंफॉर्मेशन की तरफ हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो हम उसी बिहेवियर की तरफ एक अच्छा रेस्पॉन्स देंगे. तो यह काम एक्चुअली इस ब्रेन का है. या हम ये कहेंगे द ब्रेन स्टोर्स इंफॉर्मेशन सो दैट बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द पास्ट एक्सपीरियंस.
This function makes the brain the organ of thought and intelligence. That is why हम brain को क्या कहते हैं? It is an organ of thought and it is an organ of intelligence. ये ऐसा एक organ है जो कि हमारी सोच को बढ़ाता है और हमारी काबिलियत को बढ़ाता है. So that was all about today's topic. Have a nice day.